यहाँ हम देखेंगे सेप्टिक टैंक के बारे में कि जो हमारा सेप्टिक टैंक रहता है कि मान लो कि हमारा उपयोग करने वाला यूज़ करने वाला आदमी 5 हो या 10 हो 15 हो 20 हो तो उसकी सेप्टिक टैंक की साइज़ क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ पहले नंबर पे अगर जो यूज़ करने वाले आदमी कितने हो 5 हो तो सेप्टिक टैंक जो बनाएंगे हम उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए ये मैं बता रहा हूँ आपको IS कोड 24701963 के हिसाब से ये इसकी साइज बता रहा हूँ। यूज़ करने वाले 5 आदमी होंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी L इंटू बी इंटू डी। इसमें बताऊँगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी जो बता रहा हूँ मैं ये मीटर में बता रहा हूँ। तो 5 आदमियों की पाँच आदमियों के लिए सेप्टिक टैंक की लंबाई कितनी होगी लंबाई होगी 1.5 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 0.75 मीटर और उसकी गहराई कितनी होगी 1 मीटर यानी डेप्थ कितनी होगी 1 मीटर। अगर जो उपयोग करने वाले 5 आदमी की जगह 10 आदमी होंगे 10 आदमी यूज़ करने वाला आदमी कितने हैं 10 आदमी तो जो सेप्टिक टैंक की जो लंबाई क्या रहेगी 2 मीटर इंटू उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी 0.9 मीटर और उसकी गहराई कितनी होगी 1 मीटर। तीसरे नंबर पे देखते हैं अगर जो यूज़ करने वाला आदमी 10 की जगह बढ़ गए 15 आदमी हो ठीक सेप्टिक टैंक को जो यूज़ करने वाला आदमी 15 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी उसकी होगी लंबाई 2 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी होगी 0.9 मीटर और गहराई कितनी होगी 1.3 मीटर ठीक। चौथे नंबर पे देखते हैं अगर जो यूज़ करने वाला आदमी 20 हो सेप्टिक टैंक को यूज़ करने वाला आदमी कितने 20 हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी 2.3 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी होगी चौड़ाई होगी 1.10 और गहराई कितनी होगी डेप्थ कितनी होगी 1.3 मीटर। पाँचवें नंबर में मैं देखता हूँ अगर जो यूज़ करने वाले सेप्टिक टैंक को यूज़ करने वाले आदमी की संख्या कितनी है मान लो टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पर 50 मेंबर हो ठीक तो 50 के हिसाब से उसकी लंबाई कितनी होगी 4 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी चौड़ाई होगी 1.4 मीटर और जो गहराई होगी कितनी होगी 1.3 मीटर। तो ऐसे करके हम इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितना हमारा सेप्टिक टैंक होगा।